स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फोटोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे जियोट्रॉपिज्म, जो कि एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, लेकिन इस बार जो रिस्पॉन्ड है वो सनलाइट का नहीं है, इस बार जो रिस्पॉन्ड है वो ग्रेविटी का है। तो देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो जैसे कि जियोट्रॉपिज्म को ग्रेविट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। ग्रेविट्रॉपिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रेविटी का रिस्पॉन्ड यहां पर प्लांट करता है। और जैसा कि आपको पता है, मूवमेंट जो होनी है यहां पर वो क्या होनी है? ग्रोथ मूवमेंट होनी है और डायरेक्शनल मूवमेंट यहां पर होनी है। ये पॉइंट मैं बार बार हर एक मूवमेंट में बोल रहा हूं, डायरेक्शनल मूवमेंट, क्योंकि हम ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शनल मूवमेंट आता है, ओके? क्योंकि ट्रॉपिज्म ही डायरेक्शनल मूवमेंट ही है एक तरह से। तो अभी क्या है कि जो जियोट्रॉपिज्म है वो क्या होता है? द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट क्या रहेगा? ये द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्ड टू, किसका रिस्पॉन्ड करेगा यहां पर? ग्रेविटी का। इन रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी का जो रिस्पॉन्ड करेगा, ग्रेविटी यहां पर स्टिमुली क्या है? ग्रेविटी है। तो देखो, क्योंकि ये सारा का सारा चैप्टर क्या है? स्टिमुली पे चल रहा है। स्टिमुली का रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे प्लांट्स? तो इन रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की जो स्टिमुली है उसके ऊपर प्लांट रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से ये रिस्पॉन्ड करता है प्लांट। अब देखो कि ग्रेविटी, इसके लिए जो रिस्पॉन्ड करवाता है, जो हार्मोन यहां पे यूज होता है प्लांट, कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन है। वो क्या करेगा इसके अंदर? जैसे फोटोट्रॉपिज्म भी ऑक्सिन हार्मोन करवा रहे हैं, जियोट्रॉपिज्म भी ऑक्सिन हार्मोन ही करवाएगा। किस तरह से करवाता है ऑक्सिन हार्मोन देखते हैं। कि ऑक्सिन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन हार्मोन है वो कहां होता है? मूव्स टुवर्ड ग्रेविटी जाता है। ये पॉइंट आपने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में जब हमने पढ़ा था तब आपने ये किया था, मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी। दूसरा पॉइंट हमने किया था कि जो ऑक्सिन है स्टेम की ग्रोथ को इंड्यूस करवाता है और रूट्स की ग्रोथ को वो डिक्रीज करवाता है, स्लो डाउन करवाता है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो लेट ए प्लांट, जैसे कि मान लो ये एक प्लांट है, दिस इज द शूट ऑफ द प्लांट एंड दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, ओके? अब इसके ऊपर लीव्स है। ये जो प्लांट है वो किस तरह का रिस्पॉन्ड देगा देखते हैं। कि अगर तो ये सीधा स्ट्रेट प्लांट है तो क्या होगा इसके अंदर? जो स्टेम है इसकी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, रूट्स है वो टुवार्ड्स द ग्रेविटी जा रही है, ओके? रूट्स है वो टुवार्ड्स द ग्रेविटी जा रही है, स्टेम है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। इसका एक फायदा होता है, यानी कि प्लांट जो है उसके दो पार्ट जो हम कर रहे हैं यहां पे रूट्स और स्टेम्स के बारे में, स्टेम को चाहिए सनलाइट, जो कि कहां मिलेगी? अर्थ से बाहर मिलेगी, जो ग्राउंड से बाहर मिलेगी, सरफेस के ऊपर मिलेगी। और रूट्स को चाहिए वाटर एंड मिनरल्स, जो कि अर्थ के अंदर मिलेंगे। तो यानी कि रूट्स अगर ग्रो करती है टुवार्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ, और अर्थ इनसाइड द अर्थ अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के हिसाब से अगर वो इनसाइड द अर्थ ग्रो करती है तो उसको प्रॉपर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल से। सो इट विल ऑलवेज कनेक्टेड विद द सॉइल इफ द रूट ग्रो टुवार्ड द ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगी। और इफ द शूट ग्रो टुवार्ड द ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रेविटी से दूर जाएगी तो इसको लगातार सनलाइट मिलेगी। तो प्रॉपर सनलाइट और सॉइल मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के कॉन्टेक्ट में रहने के लिए शूट्स एंड रूट्स आर रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी का रिस्पॉन्ड करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से एक पोटेड प्लांट, एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं इसके। ये तो नॉर्मल प्लांट के अंदर हमने देखा ही है कि रूट हमेशा डाउनवर्ड जाती है और शूट हमेशा अपवर्ड आती है टू रिस्पॉन्ड द ग्रेविटी, साथ के साथ वो रिस्पॉन्ड द ग्रेविटी भी जाता है, ठीक है ना? ये जो ग्रोथ होती है ये रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी में भी आता है। तो अभी देखो इसके अंदर क्या है कि किस तरह से हम एक अच्छा एग्जांपल लेके पढ़ सकते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्लांट था, अभी हम लेते हैं एक पोटेड प्लांट को, जिसको हमने पॉट को पूरे के पूरे पोटेड प्लांट को ही हॉरिजॉन्टली अगर हम प्लेस कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? लाइक दिस इज ए पॉट, इसके अंदर हमने एक प्लांट ग्रो करवाया हुआ था जो कि हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, ओके? दिस इज द शूट एंड दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट।
अंडरस्टैंड, ये इसकी रूट है और ये क्या है इसके सूट है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो टुवर्ड ग्रेविटी जाता है, ऑक्सीजन टुवर्ड ग्रेविटी जाता है। व्हेन यू प्लेस एनी पोटेड प्लांट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जब पोटेड प्लांट होता है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है इनका तो रूट्स के अंदर इस डाउनवर्ड साइड में आ जाएगा, सूट के अंदर भी इस साइड में आ जाएगा, टुवर्ड द ग्रेविटी आ गया है यहां पर ऑक्सीजन हार्मोन हमारा। अंडरस्टैंड, टुवर्ड द ग्रेविटी आने का यानी कि इस साइड यहां पे जो रूट्स के अंदर यहां पे आ गया। थोड़ी सी अगर मैं बड़ी ड्रॉ कर लेता हूं रूट ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ये है रूट, दीज आर द रूट हेयर्स, यहां पे ऑक्सीजन आ गया टुवर्ड द ग्रेविटी। अब क्योंकि अर्थ नीचे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑक्सीजन है वो टुवर्ड द ग्रेविटी जाता है। इसके अंदर सूट के अंदर भी क्या होता है इस साइड में आ गया, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटेड हो गया टुवर्ड द ग्रेविटी, क्योंकि ऑक्सीजन है वो मूव टुवर्ड द ग्रेविटी करता है, मूव अवे फ्रॉम द सनलाइट करता है। तो यहां पर आप देखो हमें पता है कि जो रूट्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो स्लो डाउन द ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ स्लो डाउन करवाता है, स्टेम के अंदर वो ग्रोथ को फास्टर करवाता है। तो अब देखो यहां पे जो स्टेम के टू पार्ट्स हैं, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट है, एक टुवर्ड अर्थ नीचे वाला सॉइल की तरफ जो पार्ट है, यहां पे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटेड हो गया। अब ये जो पार्ट है ए पार्ट, इसको बी पार्ट मान लेते हैं, बी पार्ट ऑफ द स्टेम ग्रोस फास्टर, फास्टर ग्रो करेगा देन ए पार्ट, ए पार्ट स्लोवर जाएगा। तो ये क्या होगी, स्टेम है वो इस तरह से ऊपर की ओर ग्रो करेगी, फर्दर जो ग्रोथ होगी स्टेम के अंदर वो क्या होगी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा यहां पर लाइक दिस, जैसे कि हमने फोटोट्रोपिज्म के अंदर पढ़ा था लाइट जो सनलाइट की तरफ जा रहा है यहां पर क्या है अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहां पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये क्या होगा टिप पार्ट से ये ऊपर की ओर जाएगा, इस तरह से स्टेम ग्रो करती है, ठीक है। अब रूट्स की अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड सेम वे में यहीं पर, यहां पर भी क्या है बी पार्ट पे, बी साइड पे और ए साइड, बी साइड पे क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड हो गया है। अब बी साइड पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड होने की वजह से क्या हुआ, बी साइड ग्रो स्लोवर, क्योंकि रूट्स के अंदर जो ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ग्रोथ स्लो होगी, जिस साइड में ऑक्सीजन होगा उस साइड में ग्रोथ स्लो होगी, तो ये साइड ग्रोथ है वो स्लो करती है और ए साइड है वो ग्रोज फास्टर देन बी साइड, तो ए साइड विल ग्रो लाइक दिस एंड बी साइड विल ग्रो लाइक दिस। इस तरह से जो रूट्स है वो टुवर्ड ग्रेविटी जाएगी एंड जो स्टेम है वो क्या जाएगी अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जाएगी। तो दिस इज द रिस्पॉन्ड ऑफ द ग्रेविटी, ये कॉमन प्रोसेस होता है। जैसे कि एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चों ने एक चीज देखी होगी कि जो गेहूं की फसल होती है तेज हवाओं के साथ जब वो प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो तेज हवाओं के साथ जो गेहूं का प्लांट है वो क्या होता है लैंड के ऊपर हॉरिजॉन्टली है वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में ये चीज देखने को मिलती है गेहूं प्लांट में, वीट प्लांट में, कि जो स्टेम है उसकी टेंड्स टू ग्रोस अपवर्ड, अपवर्ड ग्रो करने की वो कोशिश करती है। तो ऐसा कि ऐसा फसलों में देखा जाता है आमतौर पर, तो वो एक बेहतरीन एग्जांपल रहता है वहां पर जियोट्रोपिज्म का, कि जो स्टेम है वो किस तरह की जियोट्रोपिज्म शो करती है। तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म यहां पे हो गया है क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म एंड जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रही है जियोट्रोपिज्म। तो जो रिस्पॉन्ड जो स्टिमुली की डायरेक्शन में जाए वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड होता है, जो अगेंस्ट द स्टिमुली जाए वो क्या है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जो नेगेटिव रिस्पॉन्ड होता है। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन मूव्स टुवर्ड ग्रेविटी। और अब यहां पर देखो कि जो स्टेम है सूट्स ग्रोस अपवर्ड और अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगी, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये क्या शो कर रही है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और जो रूट्स हैं वो क्या करेगी, रूट्स ग्रोस इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में और टुवर्ड द ग्रेविटी, रूट ग्रोस
toward the gravity तो ये क्या शो करता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब इनका फायदा ये होता है कि जब ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है प्लांट तो ये मैक्सिमम सनलाइट लेने के लिए क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, और ये मैक्सिमम जो रूट्स हैं वो मैक्सिमम वाटर मिनरल्स लेने के लिए, सॉइल के साथ मैक्सिमम कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए डाउन द सॉइल जाएगा, टुवर्ड द ग्रेविटी जाएगा। तो दिस इज द रिस्पॉन्ड ऑफ द प्लांट। मैकेनिज्म सेम वे में है, थोड़ा सा बस यहाँ पे जो कंसेंट्रेटेड हुआ फोटोट्रोपिज्म में कंसेंट्रेटेड हुआ अवे फ्रॉम द सनलाइट, यहां पर हमने लिया था फोटोट्रोपिज्म में, और जियोट्रोपिज्म में क्या है टुवर्ड द ग्रेविटी हमने लेना है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटेड हो जाएगा टुवर्ड द ग्रेविटी, तो जो साइड ऑक्सीजन वाली है वो ग्रो करेगी ज्यादा स्टेम के केस में, और रूट्स के केस में जिस साइड में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटेड हो गया वो साइड करेगी कम ग्रो। तो इसी वजह से क्या होता है, जो रूट्स है दे ग्रो डाउनवर्ड एंड द शूट्स ग्रो अपवर्ड इन रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पॉन्ड में। तो दिस इज ऑल अबाउट द जियोट्रोपिज्म, एक ट्रॉपिक मूवमेंट, एक डायरेक्शनल मूवमेंट। अभी हम इसके रिस्पॉन्ड से, देखो रिस्पॉन्ड से हम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रूट्स है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। तो इफ द रूट आर गोइंग डाउनवर्ड इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी की, ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही जा रही है, तो ग्रेविटी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। यहां पर क्या है, जो सूट है वो क्या होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही होती है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। तो यानी कि हमें स्टेम की डायरेक्शन का पता लग जाए अगर कि किस डायरेक्शन में ये ग्रो कर रही है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ग्रेविटी किस डायरेक्शन में थी, ग्रेविटी का स्टिमुलस किस डायरेक्शन में था। तो दिस इज ऑल अबाउट जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कीमोट्रोपिज्म के बारे में, कीमोट्रोपिज्म जो कि केमिकल का रिस्पॉन्ड करता है, तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको क्लियर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।